हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो कृषि विभाग में जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कृषि समन्वयक के कुल जो 1469 रिक्त पदों में जो नियमित पद थे उसके लिए जो अधियाचना मिला है, ठीक है, उसके संदर्भ में ये जानकारी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये 2 अगस्त यानी परसों का, यानी ये बुधवार का, सॉरी मंगलवार का ये अपडेट है। ठीक है, और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वैकेंसी है क्यों डिले हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारा ऑफिशियल अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी विडम्बना का विषय ये है कि पिछले 1.5-2 साल से ये वैकेंसी पेंडिंग में रखा गया है और बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पत्रांक है 29/7/2022 को रिलीज किया गया। ठीक है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग को ये 2 अगस्त 2022 को मिला। ठीक है, 6988 है इसका पत्रांक संख्या, जहाँ पे 38 जिलों से ये रोस्टर मांगा गया और फाइनली इसे कंफर्म करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि खगड़िया में 20 पदों के लिए अधियाचना जारी किया गया है। ठीक है, कटिहार में 77 पद। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। ठीक है, किशनगंज में 52, अररिया में 72, पूर्णिया में 59, 59, मधेपुरा में 46, सुपौल में 41, सहरसा में 41, बांका में 36, भागलपुर में 30, मुंगेर में 6 पद, शेखपुरा में 10, जमुई में 31, लखीसराय में 13, बेगूसराय में 34, समस्तीपुर में 42, मधुबनी में 205 सबसे ज़्यादा पोस्ट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दरभंगा में 167, वैशाली में 38 पद, शिवहर में 31, सीतामढ़ी में 65, पश्चिम चंपारण में मात्र 48। ठीक है, पूर्वी चंपारण में 208। ठीक है फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर में 53 पद है, गोपालगंज में 36 पद है, सिवान में 40 है, छपरा में 60 है। ठीक है, नवादा में 15 पद है, औरंगाबाद में 29 पद है, जहानाबाद में 51, अरवल में 8 पद है, गया में 43 पद है, कैमूर में 79 है, रोहतास में 38 पद है, बक्सर में 76 पद है, भोजपुर में 31, भोजपुर मीन्स आरा, नालंदा में 27 पद है, पटना में 47 पद है। और फाइनली यहाँ पे आप लोग एक बात को समझ सकते हैं कि ऊपर प्रस्तुत मामले में विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के साथ संलग्न विभिन्न अभिलेखों की जांच की गई। जांच के क्रम में विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना में कतिपय त्रुटियाँ दृष्टिगोचर होती है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, सुन पा रहे हो, तो आपको एक चीज़ कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा। ठीक है, और जहाँ तक मैं इससे अवगत हूँ कि त्रुटियाँ है वो क्या है, जो त्रुटि है एकदम साफ रूप में जाहिर हो रहा है कि जो कोटिवार आरक्षण है उसे यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। और सामान्य प्रशासन विभाग को डिस्ट्रिक्ट वाइज, मान लीजिए मुजफ्फरपुर से 53 पद, तो 53 पद, लेकिन मुजफ्फरपुर में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सामान्य श्रेणी में कितने पोस्ट होंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने होंगे, ईबीसी में कितने होंगे, बीसी में कितने होंगे, एससी में कितने होंगे, एसटी में कितने होंगे, 2% जो अति पिछड़ा, 2% जो पिछड़ा वर्ग में रिजर्वेशन होता है उसमें कितना, महिलाओं का जो 35% सीट आरक्षित होता है, तो ये सब क्लियरेंस नहीं किया गया। मतलब कि नोटिफिकेशन को थोड़ा सा पेचीदा बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा
इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये अधियाचना आपको सितंबर या अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदाजीज फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन और 67 UPSC प्रीलिम्स की जहाँ तक बात हुई, तो आज फाइनली RK महाजन का लास्ट डे था। अतुल प्रसाद जो नए BPSC के चेयरमैन हुए हैं, शायद कुछ पॉजिटिव, शायद नहीं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में छात्र से ले रहे हैं, और आशा करता हूँ आपको ये नोटिफिकेशन अगस्त माह में ही देखने को मिल जाए, और कभी भी BPSC प्रीलिम्स का कभी भी नोटिफिकेशन आया विद इन 20 से 25 दिन पहले जो एग्ज़ाम डेट का है उससे पहले इसका नोटिफिकेशन दिया जाता है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है अगस्त में नहीं हो रहा है, सितंबर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन सितंबर मिड या लास्ट वीक ऑफ सितंबर या अक्टूबर की बात चल रही है। तो आप लोग इतना जान के चलिए कि आपको 1 से 1.5 महीना और समय मिल रहा है, तो अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रीलिम्स। थैंक यू।